अब पाएं सभी दवाइयाँ एक ही जगह पर, वो भी 10-15% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको, प्रसूति का ग्रह के सामने, कटरा बाजार सागर। सागर में डायल 100 की टीम ने घर से भटके हुए एक 3 साल के बच्चे को उसके परिवार से मिलवा दिया, जिसके बाद माता पिता की जान में जान आई। दरअसल शाम के समय एमपीईबी के पावर हाउस से एक 3 साल के बच्चे को लावारिस हालत में रोते हुए घूमते मिलने की सूचना डायल 100 को मिली थी, जिस पर तुरंत एफआरबी को बच्चे के पास भेजा गया और पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 प्रभारी आरकेएस चौहान द्वारा बच्चे का फोटो मंगवा कर सभी पुलिस ग्रुप्स और प्राइवेट मीडिया ग्रुप्स में वायरल कर बच्चे के माता पिता के बारे में जानकारी के लिए भेजा। साथ ही सभी पुलिस मोबाइल और थानों को बच्चे के घर का पता लगाने फोटो भेजकर सूचना दी गई। बच्चा अपने परिजन और घर के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहा था, जिसके बाद डायल 100.02 से आरक्षक दीपक जैन और पायलट शरद ढेकला बच्चे को लेकर संभावित आसपास की गलियों में पहुंचे, तो पुलिस कंट्रोल रूम की टीम भी अपने काम में जुटी थी। करीब 3 घंटे बाद सूचना मिली कि ये बच्चा शनिचरी स्थित नावेद खान का है। तब उन्हें फोन पर इसकी सूचना दी गई तो उन्होंने बताया कि वो काफी देर से परेशान हैं और बच्चे को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद बच्चे के पिता को कंट्रोल रूम बुलाया गया, जिन्हें देख बच्चा भी खुश हो उठा। वहीं इसके बाद दोनों को उनके घर रवाना किया। अब पाएं सभी दवाइयाँ एक ही जगह पर, वो भी 10-15% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको, प्रसूति का ग्रह के सामने, कटरा बाजार सागर।